नमस्ते, आप मैं फिर आज पांचवें एपिसोड के साथ और वही वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी जी और मैं संतोष भारती भाई सब मेरे साथ हैं। और मेरे ख्याल में हम लोगों की याद की जो दो तीन घटनाएं हैं पिछले इमरजेंसी के बाद की, उसमें मंडल कमीशन का एक नाम आता है। मैं भाई साहब सीधे सीधे उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि मंडल कमीशन लागू जब वीपी सिंह साहब ने किया तो वो तत्कालीन राजनीति के कारण ये कदम था, उठाया गया था, क्योंकि आपने अपने उसमें ये भी लिखा है जैसे पीएमओ उस समय स्ट्रांग नहीं था। आपने कहीं लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उनसे मिलने गए और उनके गेट से उनको लौटा दिया गया, क्योंकि ये तो ये अव्यवस्था भी कहीं दिखा रही है। पूरी अव्यवस्था थी। मैंने तो लिखा है कि वीपी सिंह जी के मंत्रिमंडल में वो मुख्य प्रधानमंत्री थे, बाकी सब प्रधानमंत्री थे और हर एक अपना अपना एजेंडा लेके आता था। और वीपी सिंह सिर्फ एक काम करते थे, कैबिनेट में लोगों से पूछते थे और जिसने भी जिस मंत्री के यहाँ, जिस सचिव के यहाँ उनके घोषणा पत्र को लेकर के कोताही दिखाई देती थी उसको वो डांटते थे, लेकिन डांटते भी बहुत सभ्य भाषा में थे, जैसा वीपी सिंह का स्वभाव था। जी, जिस तरीके से मोदी जी, जिस तरीके से राजीव गांधी, जिस तरीके से इंदिरा जी का एक तरीके से दबदबा था या डर था या आतंक था, वो वीपी सिंह का नहीं था। उसी के परिणाम स्वरूप बहुत सारी चीजों, अच्छे फैसले हुए उन पे अमल नहीं हो पाया। बहुत सारे फैसले, जैसे ये मंडल कमीशन का फैसला वीपी सिंह के बिल्कुल दिमाग में था कि हम किस तरीके से इस फैसले को लागू कराएं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो चुनाव के बाद देश की राजनीति को, सिद्धांतों को, समाज के अंतर विरोधों को, सरकार की गति को, इन सबको समझने लगे थे। प्रधानमंत्री जो होता है आनंदवर्धन जी, उसके सामने बड़े चुनाव होते हैं और वो उनको अपनी तरीके से टैकल करता है। तो वीपी सिंह का एक तरीका था, मोदी जी का दूसरा तरीका है, इंदिरा जी का तीसरा तरीका था, राजीव जी का अलग तरीका था। तो इसलिए वीपी सिंह ने जिस चीज को किया बिल्कुल सोच समझ के किया और किसी भी चीज का मुकाबला करने के लिए नहीं किया। मैं सिर्फ इतना साफ कर रहा हूँ। जो आपने कहा ना राजनीतिक बाध्यता थी, उनकी कोई राजनीतिक बाध्यता नहीं थी। नहीं, मैं इसलिए मैंने इसको इस रेफरेंस में कहा कि जब मैं वीपी सिंह साहब का एक वो पक्ष देखता हूँ जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कमर कस के खड़े हो गए थे, he had all the things, उनके पास कांग्रेस में सब चीजें थी। और उसके बाद पोस्ट वीपी सिंह जब मैं देखता हूं तो मेरी उनके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है, क्योंकि जो किसान मंच को चरण सिंह के बाद मुझे शायद पहले आदमी मिले जो ईमानदारी से किसान मंच की बात करते थे, डायलिसिस पे रहते थे, आपने उसको डिटेल में लिखा है कि किस तरह से डायलिसिस से सीधे उठ के किसान के आंदोलन में चले जाते थे। संक्षेप में उसके बारे में भी संतोष भाई साहब, किसान मंच और उनका डायलिसिस वाला जो जब शुरू हो गया था। वीपी सिंह ने ज्यादातर बड़े काम डायलिसिस के बिस्तर पे ही फैसला लेके किया। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो उन्होंने सारी कवायद की, जिन सोनिया गांधी के पति को उन्होंने और उनके विपक्षी नेताओं ने मिलकर हटाया था सत्ता से, उनको दोबारा सत्ता में लाने के लिए डायलिसिस के बिस्तर से ही सारा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। 50% वहां से, 50% अपने घर से। मैं बीच में रोकूं, और उनके गुर्दे खराब होना, किडनी खराब होने का कारण भी किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं था। नहीं, उनके गुर्दे जो खराब हुए, मैं आपको साफ कर दूं, 1992 में बंबई में बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ, हिंदू और मुस्लिम। वीपी सिंह बिल्कुल कांग्रेसी संस्कृति में पले थे, बड़े थे, सर्वोदय संस्कृति में थे, उनको अनशन करना नहीं आता था। अनशन करने में एक ही पक्ष को महारत हासिल थी, वो समाजवादियों को थी, जो डॉक्टर लोहिया के चेले हैं, उनको मालूम था अनशन कैसे करना चाहिए। अनशन का भी अपना एक शास्त्र होता है कि पहले नींबू पानी पीते रहो, फिर उसके बाद कितने दिन के बाद सिर्फ पानी पियो और फिर सब त्यागो। वीपी सिंह जी ने day 1 से पानी त्याग दिया और ये हालत हो गई कि डॉक्टरों ने कहा कि अगर 3 घंटे के भीतर इन्होंने अगर अनशन नहीं तोड़ा, कुछ खाया नहीं, तो इनको ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। शरद पवार वहां मुख्यमंत्री थे, जब उन्हें बताया तो वो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कंसल्ट किया लोगों से और पता ये चला कि शरद पवार ने उनको इसीलिए अरेस्ट किया वीपी सिंह को, ताकि उनको फोर्स फीडिंग की जा सके। तो वीपी सिंह जब अस्पताल में गए, उन्होंने कहा कि जब जबरदस्ती मुझे खिलाना ही चाहते हैं तो मैं खा लेता हूं। उन्होंने वहां अनशन तोड़ा, उसकी वजह से उनकी किडनी के ऊपर असर पड़ा और उनकी किडनी खराब हो गई। लेकिन उसका एक पॉजिटिव पहलू आपको बताता हूँ कि उसके पहले उससे उनके उस आमरण अनशन ने बंबई में सांप्रदायिक दंगे को रोक दिया।
वो जो हिंसा थी इतनी जबरदस्त हिंसा, वो रुक गई। तो इसलिए उनकी किडनी खराब हुई। किसान आंदोलन में वो इसलिए पड़े, उन्होंने देखा कि पहले वो पड़े झुग्गी झोपड़ी वालों को, जो समाज का सबसे निचला तबका था, ये सरकारें उसको बड़ी बेरहमी से उजाड़ रही थी। तो वो पहले वो झुग्गी झोपड़ियों के पक्ष में खड़े हुए, यहाँ तक खड़े हुए कि वो बुलडोजर के आगे खड़े हो गए, वो चारपाई पे झोपड़ी में सोए ताकि झोपड़ियां उजाड़ी नहीं जा सके, और बहुत झोपड़ियां बच गए। फिर उन्होंने देखा कि किसान भी इसी श्रेणी में, और किसानों की बात लोग करते हैं लेकिन किसानों के पक्ष में कोई संगठन नहीं खड़ा हो रहा है। तो उन्होंने एक किसानों को लेकर के हर जिले में सुनवाई शुरू की, जिसमें खूब किसान आते थे, और उन्होंने कहा बड़े वकीलों और रिटायर्ड जजों से कि आप लोग उसमें जाइए। तो बड़े बड़े रिटायर्ड जज उन मीटिंगों में जाते थे, वकील किसानों के को देखने जाते थे। तो उससे हुआ क्या, एक तरफ किसानों में हिम्मत जगी और दूसरी तरफ उन वकीलों और जजों को देश के असली हालात का पता चला कि किसान है कहाँ। वीपी सिंह ने ये बहुत बड़ा काम किया, और वो किसान मंच आज भी उन्हीं सिद्धांतों पे चल रहा है, और उन्होंने अपने सामने ही किसान मंच का सेक्रेटरी जनरल विनोद सिंह को बना के गए थे, तो वो इस समय उसके अध्यक्ष हैं और ईमानदारी से किसानों के बीच में काम कर रहे हैं, मुद्दों पे लड़ रहे हैं। जी, अब मैं अब थोड़ा सा हम लोग आ जा रहे हैं चंद्रशेखर जी के ऊपर, क्योंकि चंद्रशेखर जी का जैसे आपने लिखा है और जो भी उनके संपर्क में आया है, मतलब नेताओं में वैसा महामानवी हम बोलेंगे, क्योंकि इतना लार्ज हार्टेड तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई नहीं मिला। आपने भी अपने उसमें लिखा, आप थे, मेरे भाई साहब थे, ये सब लोग वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी के समय वीपी सिंह के साथ खड़े थे, लेकिन मैं आपको बताऊं उसके बाद चंद्रशेखर ने एक बार भी पूरे जीवन काल में कभी भी उनके उसमें ये नहीं था कि आप उनके साथ चले गए थे, और जिस समय उनको प्रधानमंत्री बनना था आप लोग ने उनका साथ नहीं दिया था, आप भी उसमें थे, मेरे भाई सब भी उसमें थे, क्योंकि आपको आपको अपने उससे लग रहा था कि नहीं इस समय वीपी सिंह के साथ रहना चाहिए। मैं उसमें आपका एक प्रसंग है उससे पहले का 77 का, जब जेपी की झूठी मृत्यु की खबर आती है, और फिर चंद्रशेखर जी जैसे घर का कोई बड़ा हो या बड़ा भाई हो और सब कुछ छोड़ के बंबई बैठ जाते हैं, और उस समय आपके उनसे एक लंबा इंटरव्यू होता है, वो सब होता है, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे। वो जो इंटरव्यू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी का, वो पहला इंटरव्यू था जो उनके अपने ही सरकार और अपने ही प्रधानमंत्री के गतिविधियों के खिलाफ था, रीत नीतियों के खिलाफ था, उसमें टिप्पणी कर रहे थे वो। हाँ, और उन्होंने अपनी सरकार का जो आलोचना की, वो देश में बहुत चर्चा का विषय बनी। वो रविवार का कवर की स्टोरी थी, चंद्रशेखर जी का वो इंटरव्यू। और चंद्रशेखर जी जिस तरीके से जयप्रकाश जी को लेकर के बैठे थे, मैंने उसमें लिखा है कि देश ने बिना जेपी के घोषित किए ही चंद्रशेखर जी को जेपी का उत्तराधिकारी मान लिया था। मुरारजी भाई को ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन चंद्रशेखर चट्टान की तरह वहां बैठे हुए थे, खड़े थे। और चंद्रशेखर जी ने इसके बाद जितने इंटरव्यू दिए, इस किताब में जो इंटरव्यू चंद्रशेखर जी के मैंने उस समय के दिए हैं, मुझे लगता है आज के नौजवानों को, राजनीतिज्ञों को पढ़ना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि चंद्रशेखर जी देश के बारे में, नीतियों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में कितने साफ थे। और उससे ये पता चलता है कि चंद्रशेखर जैसे लोग आज राजनीति में शून्य हैं ही नहीं। इसलिए मैंने चंद्रशेखर जी के बारे में इसको इतनी साफ गोई से लिखा है कि शायद इसमें आप समझ सकें कि जयप्रकाश जी क्यों उनको इतना पसंद करते। जयप्रकाश का मतलब लोकनायक जयप्रकाश, जिनको देश का दूसरा गांधी कहते हैं, या जिन्होंने लोकतंत्र की दूसरी लड़ाई लड़ी, ये सब जयप्रकाश जी के खाते में। चंद्रशेखर जी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर होते हुए उन्होंने जेपी का साथ दिया, और जेपी को ये घटना, आपको मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि जब उनके पास खबर आई कि जयप्रकाश जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जेपी से मिलने के लिए पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पे गए, तो उन्होंने कहा कि मैं अब जब मिल चुके, तो उन्होंने कहा कि मैं चलता हूं, तो वो SHO कहता है सर कहां जा रहे हैं, मैंने आपके घर खबर भिजवा दी, आपका कुर्ता पजामा आता होगा, आपको भी यहां से जाना है। ये चंद्रशेखर जी थे। जी, और मैं एक और चीज, क्योंकि मेरे दर्शकों को वो एक मुझे भी वो लगा था, जैसे मुरारजी भाई आए थे शराबबंदी, और तो जो चंद्रशेखर जी बात करते थे शराबबंदी और नशाबंदी में अंतर की बात, वो आपने वो बहुत बारीक चीज थी। हाँ, तो उसको एक शॉर्ट में इसलिए कर दें कि वो दर्शकों को वो लग जाए, बाकी तो पढ़ेंगे किताब में तो समझ में आएगा। चंद्रशेखर जी देखिए, इन सारे सवालों के ऊपर चंद्रशेखर जी बहुत साफ थे।
उन्होंने ये बताया कि किस किस चीज में नशा होता है, तो आप क्या करेंगे उस दवाई को, लोग उस दवा को ही खरीद के बहुत ज्यादा पी लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हर चीज में एक सीमा होनी चाहिए और लोगों की रुचि नहीं, लोगों को समझाइए पर लोगों को किसी कानून के दायरे में मत बांधिए। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी चीजों पर कमेंट किए कि किस तरीके से सरकार का इस्तेमाल होना चाहिए, किन कानूनों को नहीं होना चाहिए, किन को होना चाहिए। ये उस किताब को ही पढ़ के आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर कैसे आदमी थे। पर ये जानने से पहले आपके दर्शक ये जरूर जान लें कि चंद्रशेखर वो व्यक्ति थे जो अपने आखिरी दिनों में भी जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़े होते थे, लोकसभा शांत हो जाती थी, अकेले आदमी थे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। चाहे प्रधानमंत्री रहे हों चाहे कोई मंत्री, सब सुनते थे उनको और बहुत गंभीरता से सुनते थे। चंद्रशेखर जी वो आदमी थे जिन्होंने राज्यसभा में रहते हुए उस देश के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति जो इंदिरा जी की जगह लेना चाहते थे, मोरारजी देसाई, उनका राज्यसभा में विरोध किया। चंद्रशेखर जी ने बिरला का विरोध किया, जो बिरला जिसकी जेब में कहते हैं कि 80 सांसद थे। तो चंद्रशेखर जी इस तरीके के आदमी थे जो इंदिरा जी से लड़ गए, जेल चले गए, और लेकिन फिर वापस आने के बाद उन्होंने इंदिरा जी के लिए घर का भी इंतजाम किया, जिसके लिए उन्होंने मोरारजी भाई से कहा और मोरारजी भाई से लड़ गए। तो ये सारी चीजें चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व को अनोखा बनाती हैं। आपने जो महामानव कहा, बिल्कुल सत्य कहा, चंद्रशेखर जी महामानव थे और उन्होंने जो भी उनके पास किया उसकी मदद की, चाहे जिस मांग को लेकर वो व्यक्ति या पीड़ा को लेकर गया, चंद्रशेखर जी ने कोशिश की कि उसकी पीड़ा समाप्त हो और उसको मदद मिले। उसके लिए जिसको भी कहना होता था वो कहते जी। और इतने वो आखिरी बड़े राजनीतिक नेता थे जिनके घर पे हर पार्टी का आदमी आता था, और जब वो कभी कुछ चाय वाय पिलाते थे तो हर पार्टी के लोग, उनके विरोध भी वहां पहले आते। मैंने इसमें अटल जी और चंद्रशेखर जी का एक वाक्य लिखा है जिससे आपको अंदाज होगा। हाँ, और मैं एक चीज लेकिन मैं इसलिए कहूंगा आपसे जरा समझ लूं, बहुत साफगोई से आपने कुछ बातें लिखी, जैसे दयाराम शाक्य की बात मुझे इसलिए लगती है लोग नहीं बोलते हैं, उसी तरह से आपने एक इंसिडेंट लिखा है जो आप कहते हैं कि मैं अपने पत्रकारिता के कैरियर का धब्बा मानता हूं, जो सुदीन भदौरिया वाला आपने एक इंसिडेंट लिखा है। सुदीन भदौरिया जी आज की तारीख में जिंदा है, कमांडर भदौरिया उनके पिताजी बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। वो क्यों, मतलब ऐसा क्या, भाई ठीक है हर आदमी का फेस होता है, हो सकता है आप, मतलब इसको आप ये क्यों आप इसको आज एक्सेप्ट करते हैं कि वो आपके करियर का एक, इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि बीच में कोई मौका आया नहीं एक्सेप्ट करने का, बीच में कहीं कोई ऐसा मौका ही नहीं आया, विषय ही नहीं उठा, किसी ने पूछा ही नहीं। तो मुझे ही लगा कि मैं एक ऐसी किताब लिख रहा हूँ जिस किताब में मुझे अपने, देखिए मैं फिर आपसे कहता हूँ, शुरू में भी मैं कह चुका हूँ, इतने साल के मेरे कैरियर में मेरी एक स्टोरी का खंडन नहीं हुआ, एक स्टोरी का, मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा। अपनी सारी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ मैंने इस किताब को लिखा है। अब लोग नहीं पूछें, लेकिन मेरा तो अंतर्मन मुझे कह रहा है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, और उस स्टोरी ने सुधींद्र भदौरिया को देश में एक आधा खलनायक सा बना दिया था। वो बहुत बड़ी स्टोरी थी और इतनी, आप जानते हैं जैसा मैं लिखता हूँ, इतनी तीखी स्टोरी थी कि हर जगह सुधींद्र जी को लोग मान बैठे थे कि ये गलत आदमी है, चंद्रशेखर जी को लेके इसने शायद कुछ गड़बड़ किया है। अब ये लेखक का, मतलब मेरी क्रेडिबिलिटी थी कि लोग उसे सही मान रहे थे, और यह सुधींद्र भदौरिया का दुर्भाग्य था कि लोग उनके उनके ऊपर लगे उस लांछन को सही समझने लगे। मुझे लगा कि मुझे इसको स्वीकार करना चाहिए और सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। सुधींद्र भदौरिया को तो अब तक पता भी नहीं है कि मैंने ये लिखा है, क्योंकि सुधींद्र भदौरिया अब किसी इंप्रेशन में इस किताब को अभी तक न उन्होंने खरीदा है न पढ़ा है, लेकिन सारे देश में इतनी चर्चित हो गई और आपने ये सवाल पूछा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरी बहुत बड़ी एक मानवीय कमजोरी थी कि मैंने बिना उसको कंफर्म किए एक रिपोर्ट के रूप में छाप दिया और अपनी क्रेडिबिलिटी को का इस्तेमाल सुरेंद्र भदौरिया की क्रेडिबिलिटी समाप्त होने में होने दिया। मैं एक चीज और जल्दी से, क्योंकि वो एक रेफरेंस पॉइंट है, वो एक ऐसा है जब मुझे पढ़ के जैसे मुझे लगा मेरा कुछ खो गया है। चंद्रशेखर जी के सारे संस्मरण आपने रिकॉर्ड कर लिए थे आपने कहा, और जब लखनऊ से आप शिफ्ट हो रहे थे दिल्ली, तो आपको तो लगा होगा जैसे वो आपसे वो रिकॉर्डिंग मिसप्लेस हो गए, तो आपको वो एक अटैची में थी, जो अटैची गायब हो गई रास्ते में। असल में उन दिनों सामान कैसे चलता था, साथ तो चलता नहीं था,
हम एक ट्रक लेते थे उसमें रखते थे, और अब वो कहीं उस ड्राइवर या उन लोगों ने क्या सोच के वो गायब किया मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी जीवन भर की थाती चली गई। और चंद्रशेखर जी का बड़प्पन देखिए, उनसे हरदेव शर्मा जी जो नेहरू लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे वो बार बार मांग रहे थे, और चंद्रशेखर जी मुझे कहते थे कि तुमने कहा था किताब लिखोगे, लिख क्यों नहीं रहे हो। मैं चुप हो जाता था, मेरे शर्म के क्या कहूँ। लेकिन जब एक बार हरदेव शर्मा जी ने कहा कि कहाँ है, तो फिर मैं चंद्रशेखर जी के पास गया। मैंने कहा भाई साहब मुझसे ये हो गया, इस तरीके से हो गया और गायब हो गई, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूं। उनका कोई बात नहीं, देखिए बड़े आदमी का बड़प्पन लोग समझ ही नहीं सकते, उनका कोई बात नहीं, मैं भी यही हूं तुम भी यही हो, हम दोबारा करेंगे। लेकिन वो दोबारा कभी आता आ नहीं नहीं है। पाया, नहीं पाया। हाँ एक इतिहास दोहरा, ये कहानी है, कहावतों में है, इतिहास दोहराता है लेकिन इतिहास कभी बहुत दोहराता नहीं। मैं एक और चीज आपने लिखी है, क्योंकि वो जरा मुझे थोड़ा और क्लियर कर दें। आपने जनता पार्टी के सिर पे ये वो ठीकरा फोड़ा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स पॉलिटिकल एक्टिविटी को समाप्त करने में जनता पार्टी का सबसे बड़ा हाथ था, ऐसा आप कहते हैं। क्योंकि हम लोग को लगा कांग्रेस था, ये था, लेकिन आपने उसमें कई जगह लिखा है कि जो स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एक तरह से समाप्त, जनता पार्टी का उसका एक बड़ा हाथ था, उसको थोड़ा समझ सकते। आनंद वर्धन सिंह जी, मैंने वही लिखा है जो सच्चाई थी। 77 में जितने छात्र नेता और युवा नेता थे वो सब लोकसभा में पहुंच गए और कुछ विधानसभा में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद पता नहीं किस तरीके से इन सारे लोगों के काम का परिणाम ये हुआ कि सारे देश में विश्वविद्यालयों के चुनाव या इंटर कॉलेजेस के चुनाव बंद हो गए। इनसे पहले क्या होता था, 77 से पहले, कि जब भी विश्वविद्यालय का चुनाव होता था या कॉलेज का चुनाव होता था तो बिल्कुल वही तरीका अपनाया जाता था राजनीति में जो राजनीतिक दल अपनाते थे। नॉमिनेशन आते थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता था, किसी एक को टिकट देते थे और कोई उससे बगावत करता नहीं था, जिसको समाजवादी यूजन सभा, यूथ कांग्रेस या एबीवीपी जो उस समय के ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये सब फेडरेशन जो जिनको जिनको टिकट दें लोग उसको लड़ते थे और लोग भी सम्मान करते थे। और उस समय सबसे बड़ी बात थी कि टिकट उसी को दिए जाते थे जो राजनीतिक रूप से थोड़ा सा परिपक्व होता था। उसके लिए कैंप लगते थे, शिविर लगते थे, उसका बकायदा इंटरव्यू होता था कि वो समाजवाद के बारे में क्या जानता है, या वो कांग्रेस के बारे में क्या जानता है, या भारतीय जनसंघ के बारे में क्या जानता है, ये सारी चीजें, और हिंदुत्ववाद क्या है, ये सारी चीजें लोग पूछ के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, तब उन्हें टिकट मिलता था। इन लोगों ने उस सारे प्रोसेस को, चूंकि चुनाव को बंद कर दिया, तो वहां से सारी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस सारी प्रक्रिया में क्या होता था, लोग पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में पारंगत होकर निकलते थे, लेकिन इन लोगों ने बंद कर दिया। उसके बाद हमारे देश के सामने नेशनल आइकॉन खत्म हो गए। जयप्रकाश जी, चंद्रशेखर जी जब खत्म हुए, मतलब नीचे गए, तब कौन आइकॉन बन के आए, अमिताभ बच्चन आए, गोविंदा आए। अब अमिताभ बच्चन को बहुगुणा जी हरा दें, इससे बड़ी विडंबना क्या हो क्या हो सकती। सकता है। ठीक है, इतने जो जिसने इतने साल देश की सेवा की, जो जेल में रहा, इतनी बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी, और उसे इलाहाबाद के चुनाव में लोगों ने हरा दिया। तो ये उस प्रक्रिया का नतीजा है जो 77 में इन लोगों ने पॉलिटिकलाइजेशन बंद कर दिया स्टूडेंट्स और यूथ का। क्यों बंद किया मुझे नहीं पता, या तो ये हो सकता है कि हम ही आखिरी नेता रहे, आखिरी मुगल हम ही रहे, लास्ट एम्परर हम रहे, जो भी मन में रहा हो, पर इन सब लोगों ने मिलकर के उस प्रक्रिया को बंद किया। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी, चाहे वो मुरारजी भाई होते, चाहे अटल वो चरण सिंह जी होते, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस प्रक्रिया को बंद करता। ये लोग उसके जिम्मेदार हैं, उस अपराध के भागी हैं जो छात्र और युवा राजनीति से 77 में सांसद और विधायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये हम लोग की फिफ्थ कड़ी है, अगली कड़ी अंतिम कड़ी होगी, और एक बार फिर से आपको ज्वाइन करने के लिए दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद।